उबटन लगाने से दुल्हन को बहुत रूप चढ़ता है। कोई और रूप की जरूरत ही नहीं है मेरी माँ को, लेकिन हाँ लगाएंगे, कल से रोजाना रूप लगाएंगे, ठीक है? जीती रहो जीती रहो। अच्छा, मैंने जो है सैलॉन का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, हम जाएंगे दीदो और मैनी पैडी स्पा ट्रीटमेंट सब कुछ करवाएंगे, ठीक है? एंड फॉर अ गुड चेंज माँ, आई थिंक यू शुड डाई योर हेयर प्लीज। तो ठीक तो है, नहीं इट्स अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, कुछ एडवेंचरस सा करते हैं, लेट्स गो फॉर इलेक्ट्रिक ब्लू। ओ प्लीज। और पर्पल? नो। अच्छा रेड तो करवाई थी। नो प्लीज। अरे रहने दो रहने दो, वो देसी मेहंदी है ना, वो मैं लगा लूं। मेहंदी अब सिर्फ मेरी माँ के हाथ में लगेगी। शादी की तैयारियां सही चल रही हैं? हाँ, ऑल गुड। उन्होंने पहले भी प्रपोज किया था ना, बताया था आपने? असल में वो जो लो भाई हीर बन गई आए, लेकिन है बड़ी मजेदार बनी, लेकिन गरम थी ना इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिए ठंडे होने। वो आप ले आए, मैं गरम भी खाऊंगी और फिर ठंडी भी खाऊंगी, कैसा? लो। अरे खीर ठंडी खाते हैं, गरम नहीं खाते। अच्छा उसकी रेसिपी तो दे दें भाई, तरस जाती हूँ मैं अच्छी खीर खाने के लिए वहाँ पर। ठीक है ठीक है, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें खीर बनाना सिखा दूंगी। पक्का? आप कुछ कह रही? नहीं कुछ नहीं। तुम खाना खत्म करो, अब फिर कभी बात करेंगे। या, गाइस। अच्छा बताओ सारा कैसी है? ठीक है। उसके आने से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। बोझ तो मेरे कंधों से भी हट गया है। उमर को बताया कि मैं सारा की माँ? नहीं अभी तक तो नहीं बताया। तुमने बताया सारा को कि मैं उमर का बाप हूँ? कोशिश की थी मैंने लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। कोई नहीं, सारा समझदार बच्ची है, समझ जाएगी। नहीं मुझे सारा की इतनी फिक्र नहीं है, मुझे उमर की ज्यादा फिक्र है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये फिक्र मुझे भी है सलमा, लेकिन यू नो व्हाट, इस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। एनीवेज क्या करनी थी तुम? माँ आई नो हमारी बात नहीं हुई इस बारे में, लेकिन मेरे जाने के बाद डैड आए थे, बुलाया था मैंने उन्हें। फिर क्या कहा उन्होंने? तुम जानती तो हो, फिर क्यों पूछ रही हो? जानना चाहती हूँ कि क्यों खुद को तकलीफ देना चाहती हो? मुझे पता है। पता है एक वक्त था जब तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। नहीं होती फील लाइक मैं इन चीजों से बहुत आगे निकल चुकी। तो फिर क्यों पूछ रही हूँ मैं? मिलना चाहती हूँ उनसे, और जब मैं उनसे मिलूं तो मैं ये नहीं चाहती कि हम दोनों एक पेज पे ना हो, या उनको ये लगे कि उनके ना होने से हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई मुश्किल है।
तुम जाओगे उनसे मिलो। थिंक इट्स हाई टाइम कि सारा इमोशनल बैगेज है हमारा संसार के हिंदर। यहाँ क्यों बुलाया? घर पे भी तो आ सकती थी। यहाँ का माहौल बेहतर लगता है। अभी तक वही दो कौड़ी की नौकरी कर रही हो? हाँ। आतिफ मलिक की बेटी हो के नौकरी होने दो कौड़ी के लोगों के साथ, तो आप बताएं आपका बिजनेस संभाल लेती हूँ, संभाल सकती हूँ। औरतों का काम नहीं है ये। चलें चलते हैं। एंड बाय द वे माँ की शादी हो रही है। किससे? उसी से जिससे होनी चाहिए थी। सिकंदर क्योंकि मैं ग्रीन हूं।